हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह जहां सारे टूरिस्ट आते हैं स्नोफॉल और विंटर स्पोर्ट्स के लिए। बट अगर बात करें शिमला, चैल, कुफरी और मनाली की, तो वहां इतना क्राउड होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रैफिक में निकल जाता है या लोगों के बीच भीड़ में वेटिंग में निकल जाता है। तो आइए शिमला के डे आउट पे आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जो शिमला से तो केवल 60 किलोमीटर दूर है बट क्राउड में शिमला से कोसों दूर है। इस खूबसूरत सी जगह का नाम है नारकंडा, जिसे हिमाचल का एप्पल ऑर्किड बेल्ट भी कहा जाता है। Hey friends, welcome back to our channel. शिमला की इस ट्रिप में हम एक दिन की आउटिंग के लिए आ जाए हैं नारकंडा एंड दिस प्लेस इज फ्रिकिंग ऑसम डूड। यहाँ ना क्राउड है, ना पोल्यूशन है, बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारा स्नो है। तो आप शिमला, मनाली, कुफरी, चैल को डिच करके डेफिनेटली प्लान बना सकते हैं नारकंडा के लिए। तो देखिए क्या है नारकंडा में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्कीइंग पॉइंट, और यहाँ पे आपको रोड में आपको गाड़ी से उतर के हाइक करके व्यू पॉइंट तक जाना है। आप देख सकते हैं अभी जनवरी का महीना है लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं है। क्लाइमेट शिफ्टिंग के कारण जो स्नोफॉल दिसंबर के महीने में शुरू हो जाना चाहिए वो अभी जनवरी के महीने में भी शुरू नहीं हुआ है। स्टिल नारकंडा में काफ़ी स्नो है क्योंकि अभी हम शिमला, कुफरी ये सब जगहों से आ रहे हैं और वहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है कि आप स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं और अगर आपको शिमला, कुफरी, चैल में स्नो नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली नारकंडा आइए। तो थोड़ा वॉक करने के बाद हम फाइनली स्कीइंग पॉइंट तक पहुंच गए, जिसमें एक ओर तो खूब सारे स्टॉल्स हैं और दूसरी ओर आपको मिलेगा स्नो। इसी को देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे और हमें कहीं भी स्नो नहीं मिल रहा था, बट नारकंडा की हाइट अच्छी है और ये पोल्यूशन से काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पर आपको स्नो मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ स्नो ट्यूब स्लाइडिंग। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्यूब एक्टिविटी। क्योंकि ना यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है इसलिए चीज़ें बहुत रिजनेबल हैं। यह एक्टिविटी पर पर्सन थी ओनली 100 रुपीस की। तो ट्यूब स्लाइडिंग के बाद चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की ओर। सो दिस इज सेकेंड एक्टिविटी इन नारकंडा, ज़िपलाइन। हमारी ये ज़िपलाइन भी काफ़ी रिजनेबल थी। द चार्जेस वॉज 300 रुपीज पर पर्सन। सो द ज़िपलाइन वॉज क्वाइट ईजी। इसके पहले मैंने पत्नी टॉप में ज़िपलाइन की है, वो एक एडवेंचरस ज़िपलाइन थी। वो 10 स्टेज की होती है, तो आप उसकी वीडियो चाहें तो ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। बट यहाँ की ज़िपलाइन बहुत ईजी थी और किसी भी वेट के लोग, किसी भी साइज़ के लोग और ज़्यादा डरने वाले लोग भी यहाँ ज़िपलाइन कर सकते हैं। अगर आप नारकंडा या हिमाचल के किसी भी हिस्से में आते हैं तो यहाँ की लोकल डिश सिद्धू ट्राई करना ना भूलें। हम यहाँ नारकंडा में ये डिश ट्राई कर रहे हैं, देखिए। आई डोंट नो इसे खाया कैसे जाता है बट एक ट्रायल। शायद ये घी है। कुछ ब्रेड जैसा है और आई डोंट नो जो भी पर अच्छा लग रहा है। तो ये तो था स्कीइंग पॉइंट। देखते हैं नारकंडा में, अभी हम निकल रहे हैं और बजे हुए हैं 3, तो बचे हुए समय में हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। एक्चुअली नारकंडा का प्लान हमारा प्री प्लान नहीं था इसलिए हम वहाँ से 11 बजे निकले शिमला से, तो थोड़ा लेट हो गया।
तो चलिए देखते हैं अभी बचे हुए समय में और क्या कवर कर सकते हैं। नारकंडा इंडिया के ओल्डेस्ट स्कीइंग सेंटर्स में से एक है। हमने तो भले ही यहाँ स्कीइंग नहीं की क्योंकि स्नो थोड़ी सी हार्ड थी, बट यहाँ बहुत से लोग स्नो के लिए भी आए थे और यहाँ स्कीइंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि हमें स्नो के साथ ग्रीनरी भी देखने को मिली। एक्चुअली शिमला के आसपास के इलाकों में काफी डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, इसलिए वहाँ ग्रीनरी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो स्कीइंग पॉइंट के बाद अभी हम आए हैं तन्नी जुबार लेक। ये स्कीइंग पॉइंट से ही ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ सबसे फेमस जो पॉइंट है था स्कीइंग पॉइंट के बाद वो था हाटू पीक, पर हाटू पीक में 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता और हमें लगा कि ट्रैक करके जाने और आने में राहत हो जाएगी, इसलिए हमने इस लेक को प्रेफर किया। और ये जगह बहुत पीसफुल है, आपको थ्रू आउट रास्ते में स्नोफॉल मिलेगा बहुत सारा और एप्पल की फार्मिंग मिलेगी। तो अभी देखते हैं इस लेक को। इस जगह आते ही ना मुझे थोड़ी फॉरेन वाली फीलिंग आने लग गई थी, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं खूबसूरत सी लेक, आसपास पाइन ट्रीज और दूर दूर तक कोई भी नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही था। इस लेक के आसपास स्टे करने के भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ बात करके स्टे भी कर सकते हैं। और देखिए अभी भी यहाँ स्नो दिख रही है, इतनी तेज धूप है उसके बाद भी। यहाँ आप खुद को नेचर के पास महसूस करेंगे क्योंकि ये जगह काफी खूबसूरत है और बहुत ही लेस क्राउडेड है, तो ये ना फोटो शूट या वीडियो शूट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस गार्डन से लगा हुआ एक इको पार्क भी है जो फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा मेंटेन्ड है, तो चलिए चलकर देखते हैं अंदर। काफी खूबसूरत है ये जगह, लंबे लंबे पाइन ट्री और सामने खूबसूरत सी लेक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पूरे एरिया में एप्पल की फार्मिंग होती है। अभी हम जनवरी के मंथ में हैं, इसलिए ये आपको सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं। एप्पल के पेड़ों में अप्रैल और मई के मंथ में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक फल आते हैं। तो ये आप इस पूरे अगर ड्यूरेशन में आते हैं लाइक अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर, तो आपको यहाँ एप्पल फार्मिंग बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलेगी। और बस दिसंबर से लेकर मार्च तक यहाँ आपको ये पेड़ झाड़ की तरह दिखेंगे जिसमें एक लीफ भी नहीं होती है। ये सब देखते देखते शाम हो चुकी थी और अब हम वापस शिमला के लिए निकल रहे हैं। अगर आपके पास नारकंडा में और समय बचता है डे आउटिंग में, या आप नारकंडा में स्टे करते हैं, तो आप जा सकते हैं हाटू पीक जिसके लिए ट्रैक करनी होती है, और वहाँ जा सकते हैं हाटू टेंपल। हाटू पीक से लगा हुआ है जाऊ बाग जिसकी ट्रैकिंग भी होती है, आप बिल्कुल वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं देरतू माता टेंपल जो यहाँ के लोकल लोगों की देवी है, इसके लिए भी यहाँ ट्रैकिंग की जाती है। और कुछ और टेम्पल्स हैं जैसे कोटेश्वर महादेव टेम्पल, कचेरी का महामाया टेम्पल। तो नारकंडा का 2 से 3 दिनों का विजिट एक वर्थ विजिट है। तो बस यही था इस वीडियो के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विथ अस ऑन अदर वीडियोज ऑफ हिमाचल प्रदेश विथ अस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।